गोवंश को आसरा देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार शराब की प्रति बोतल 1 रुपये ऐसे इकट्ठा कर रही है, जिससे करोड़ों रुपया सरकार के खजाने में जमा हो गया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज भी जगह जगह गोवंश गोपाल के इंतजार में हैं। बेसहारा गोवंश को संभालने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा, भले ही उनके नाम से सरकारी खजाना बढ़ रहा हो। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने गाय के संरक्षण के लिए गोधन विकास निधि के अंतर्गत शराब की प्रति बोतल 1 रुपये एसएस लेने का ऐलान किया था, जिसके बाद से प्रदेश भर में करोड़ों रुपए गोधन विकास निधि के अंतर्गत सरकारी खजाने में जमा हो गया। जिला सोलन में वर्ष 2018 में 57,50,000 व इस वर्ष नवंबर माह तक 33,80,000 रुपये गोधन विकास निधि में जमा हो गए। बात की जाए दोनों वर्षों की तो गोधन विकास निधि में जिला सोलन से अभी तक करीब 95,00,000 रुपये जमा हो चुका है, लेकिन दुख इस बात का है कि आज भी दर दर आश्रय के इंतजार में गोधन घूमता दिखाई दे रहा है। पिछले साल आबकारी नीति में ये निर्धारित किया गया था कि प्रति बोतल 1 रुपये गौधन विकास निधि, 1 रुपये एम्बुलेंस सर्विसेज फंड की तरफ जो है एलोकेटेड होता है शराब की बिक्री पे। तो सोलन जिला में इस वर्ष नवंबर माह तक हमने 33,80,000 रुपये उस फंड में अभी तक हमने एकत्रित करके सरकारी कोष में जमा करवा दिए हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2018-19 में ये जो राशि थी ये पूर्ण वर्ष में तकरीबन 57,50,000 रुपये के आसपास हमने डिपॉजिट करा था ये गौधन विकास निधि और एम्बुलेंस फंड 57,00,000 ईच जमा हुआ है और सरकारी कोष में जमा करवाया था। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।